स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल रिव्यूज टाइम में। तो हम अभी सीरीज चला रहे हैं जेई मेन 2020 के लिए, जिसमें हम लो परसेंटाइल पे क्या गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, जो कि हम स्टेट वाइज सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी अब तक हमने हरियाणा का देख कर लिया। अगर आपने हरियाणा का नहीं देखा तो जाके देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब हम दिल्ली की बात करने वाले, दिल्ली की गवर्नमेंट कॉलेज की दिल्ली हम बात करने वाले हैं। तो जिसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले आपके लिए बात करेंगे अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज है, दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है और इसे शॉर्ट फॉर्म में AIACTR कहा जाता है। इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि इसमें कितनी फीस है, क्या प्लेसमेंट है इसकी और क्या कट ऑफ जाती है इस कॉलेज की, इसके लिए पता करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जान लो इस कॉलेज के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ये मेन बिल्डिंग है और ये कॉलेज जो है वो 2001 में बना था। इससे पहले इसका नाम अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसके दो ब्रांच है, जिसमें एक में आपको BCA और BSc की पढ़ाई करवाई जाती है और इसमें आपको BTech और MTech कोर होता है। इस कॉलेज में आपका BTech और MTech होता है, BTech और MTech करवाया जाता है। जिसमें मैं बात करूँ, BTech में आपको CS और ECE इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करवाई जाती है और MTech में आपके चार ब्रांच है, डिजिटल इंफॉर्मेशन, इंफ्रारेड, माइक्रो इंजीनियरिंग एंड सिग्नल प्रोस्पेरिस, जिसके हम बात नहीं करने वाले, हम BTech के लिए बात करने वाले। तो BTech में आपका कंप्यूटर साइंस में सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 60 सीट्स होती हैं और क्या कहते हैं ECE में आपके लिए 120 सीट होती है। कॉलेज बहुत ही अच्छा है। इसकी रैंकिंग की बात करूँ तो कैरियर 360 जो एक वेबसाइट है उसमें इसकी रैंकिंग जो दी है A+ दी है, मतलब कि एक अच्छा कॉलेज है। और ये काफ़ी इसकी रैंक दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी रैंक 13 पे आती है, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला लिया जाए तो इसकी 13 रैंक है इसकी दिल्ली गवर्नमेंट में। तो बहुत ही अच्छी कॉलेज है, क्योंकि वो बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज जो है दिल्ली में NIT, IIIT इन सबको भी, IIT इन सब में भी अगर 13 रैंक स्कोर कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके एकड़ की बात की जाए, ये कितने एकड़ में फैला हुआ है कॉलेज, तो ये आपका 8.5 कहीं पे लिखा होता है, कहीं 9 लिखा होता है, आप अप्रोक्स मानो इसे 9 एकड़ में ये फैला हुआ है, 8.5 से ऊपर अबव है, लेकिन मैं बता दूँ। ये अगर बात की जाए तो ये आपको मिलेगा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IP, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। IP पहले 2015 के टाइम में ये पेपर कंडक्ट करवाता था, लेकिन पिछले साल से इन्हें पेपर कंडक्ट करवाना मना कर दिया और ये अब JEE मेन से लेते हैं बच्चों को। तो JEE मेन से इनके कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। तो हम बात करने वाले हैं कितना कट ऑफ होगा इन सब के बारे में। तो बेसिक जान लो, आपका JEE मेन आप दोगे, आपको पेपर जरूर देना है JEE मेन में। JEE मेन दोगे आप, जरूरी नहीं आप इसमें आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, आपको बस JEE मेन देना है। और JEE मेन दिया होना चाहिए, अगर आप नहीं दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, आपका एडमिशन नहीं होगा। वैसे भी हम JEE मेन की कट ऑफ सीरीज के बारे में चला रहे हैं, IP का पेपर अब इसमें नहीं होता है। और आपको बाद में JEE मेन ख़त्म होने के बाद आपको काउंसलिंग, जैसे जोसा की काउंसलिंग होती है, वैसे IP वाले अपना खुद से काउंसलिंग लेते हैं, जिसमें आपको फ़ी देना होगा। तो आप उस काउंसलिंग में बैठेंगे तो आपको इस कॉलेज के बारे कॉलेज मिलेगी। इस कॉलेज के बारे में जैसे मैंने बता दिया आपको, बेसिक बता दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस कॉलेज का एक डिपार्टमेंट है। तो आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही अच्छी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे जिम मिल जाएगा, आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मिल जाएगा, स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, कैफेटेरिया मिल जाएगा और बाकी आपके सारे फैकल्टीज़ है जैसे कि आम में कॉलेजों में होता है। क्लासरूम की बात की जाए तो ये आपका बैक साइड से फोटोज़ है और क्लासरूम की हम फ्रंट साइड से भी देखेंगे। ये आपका प्लेग्राउंड है और ये आपका फ्रंट साइड से व्यू है आपका क्लासरूम का, आप देख सकते हो। और लैब की बात की जाए तो यहाँ पर लैब भी बहुत अच्छी हैं, मैं बता रहा हूँ। और आप यहाँ का प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट पर आते हैं, प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, इन्फोसिस आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है,
और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे आपको मिलती है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये हाईएस्ट पैकेज आपको 8 लाख तक दिख रही है, और मिनिमम की बात किया तो यहाँ पे मीडियम पैकेज यहाँ पे 4 लाख का है मिनिमम। देखो तो आप ये 2015 का है, ये 2015 बैच का है और ये 2016 बैच का है। तो अगर मैं बताऊँ तो मिनिमम आपको बात करूँ तब भी आपके लिए 2.3 लाख तो मिनिमम है आपके यहाँ की, 2.3 लाख मिनिमम है आप देख सकते हो, जो कि एक छोटी कंपनी तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी नहीं है। तो हम आगे बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 75% नहीं चाहिए होते, पर इस साल तो हट गए हैं 75% का, लेकिन अगले साल वाले जो ही बच्चे हैं उनको 75% नहीं चाहिए होता है, 55% पर आपको यहाँ पे मिलता है, इंग्लिश होना चाहिए। अब हम बात करने वाले कट ऑफ की, इस कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाती है भैया, कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ जानने से पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि सीरीज अभी चालू है और मैं हर कॉलेज के बारे में बताऊँगा। तो अगर आप सच में इंजीनियरिंग कॉलेज लेना चाहते हो वो भी गवर्नमेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए इस चैनल पे, क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करोगे सब्सक्राइबर बढ़ा के। तो आप खुद भी सब्सक्राइब करो, देख रहे हो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। मैं बोल रहा हूँ शेयर करो, शेयर नहीं करते तुम लोग, शेयर करो। और यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं अब, तो कट ऑफ के लिए बात करते हो मैं आपको कुछ बता दूँ, बेसिक बता दूँ। काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जो कि ये फर्स्ट राउंड को फर्स्ट राउंड बोलते हैं, सेकंड राउंड को ये लास्ट राउंड बोलते हैं, और थर्ड राउंड को ये एक तरीके से समझते हैं कि अगर सीट खाली नहीं होती तब ये लोग लेते हैं। मेनली थर्ड राउंड में आपको पैसे रिफंड नहीं होते, सेकेंड राउंड तक आप पैसे रिफंड मांग सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके लिए मैं लाया हूँ, बीटेक के लिए लाया हूँ, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। ये बता दूँ आपका डिफेंस वाले बच्चों के लिए, ये जो दिल्ली में जिनके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है उनके लिए है, ये दिल्ली वाले जो बच्चे जिनने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हो या दिल्ली में रह रहे नागरिकता है उनके पास डोमिसाइल है उनके लिए है ये। ये आपको ओबीसी वाले जो दिल्ली वाले हैं, एससी वाले दिल्ली वाले, एसटी वाले दिल्ली वाले, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी रैंक कितनी है। मैं अगर जनरल वालों की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 54,000 चाहिए होंगे सीएस के लिए, और 1,15,000 आपको चाहिए होंगे सीएस के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड देख लो आप खुद से देख लो, इसकी बढ़ गई है, 1.5 लाख तक पहुँच गई है अम्बेडकर इंस्टीट्यूट की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, बहुत ही अच्छा ब्रांच है, आपको प्लेसमेंट भी अच्छी मिल जाएगी। और थर्ड राउंड की बात करें तो 2 लाख तक यहाँ पे गई हुई, आप यहाँ देख सकते हो, तो 2 लाख तक भी जा चुकी है रैंक, तो थर्ड राउंड तक आप अटैम्प्ट कर सकते हो इस साल, तो बहुत ज़रूरी है अटैम्प्ट करो। आउटसाइडर की बात कर ले तो आउटसाइडर के लिए भी ये देख लो आप, ये आउटसाइडर डिफेंस वाले उनके लिए, डिफेंस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जनरल वालों के लिए, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं फर्स्ट, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड बता देता हूँ, हो गया। और वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो, मैं फिर से वो कर देता हूँ। चलो हो गया होगा, आपने कर लिया होगा, तो मैं अब मेरी बारी, आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे वीडियो आने से पहले लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके। और हाँ, नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को, कॉलेज लो, मौज मारो, बेस्ट ऑफ लक।